दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर में अगर आप यहां पर अरमान मलिक के फैंस हैं तो कहीं ना कहीं आज की रात आपको काफी बड़ा झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऐसा इसलिए क्योंकि अरमान मलिक के लिए आज की रात बिग बॉस के घर के अंदर आखिरी रात हो सकती है। कुछ ही समय में जनता का फैसला आने वाला है और घर के चारों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट यानी कि अरमान मलिक, सना मकबूल, लवकेश कटारिया और सई केतन राव, इन चारों में से किसी एक को मिडवीक जो एविक्शन है, मिडनाइट एविक्शन, उसके जरिए घर से बेघर किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जियो सिनेमा ऐप पर जो है बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क खत्म होते ही टेकओवर चालू कर दिया था और जनता जो है धड़ाधड़ यहां पर वोटिंग में लगी हुई है, वोट करने में लगी है, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने में लगी हुई है। ऐसे में दोस्तों सना मकबूल और लवकेश कटारिया को सबसे ज़्यादा वोट हासिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साई केतन राव और अरमान मलिक के ऊपर जो है एविक्शन की तलवार लटक रही है। सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि अरमान मलिक को सबसे कम वोट हासिल हो रहे हैं और वो बॉटम में हैं, जिसकी वजह से आज की रात अरमान मलिक का जो है शॉकिंग एलिमिनेशन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या अरमान वाकई घर से बेघर हो जाएंगे, ये तो हमें कुछ ही समय में पता चल जाएगा, क्योंकि घर के अंदर जो है गार्डन एरिया की ब्लाइंड्स को भी बंद कर दिया गया है। और ऐसे में बिग बॉस थोड़ी ही देर में घर के सभी कंटेस्टेंट को गार्डन एरिया में बुलाएंगे, वहाँ पर जनता का जो फैसला है वो घर वालों के सामने बताएंगे और गार्डन एरिया से डायरेक्ट मेन गेट को खोलते हुए एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर दिया जाएगा। अब वो एक कंटेस्टेंट जो है अरमान मलिक भी हो सकता है या फिर साई केतन राव भी हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक का पत्ता कटना आज बिल्कुल तय है। और ऐसे में कृतिका जो है वो किस तरीके से अकेले सर्वाइव करेगी अगर अरमान चला गया तो, ये देखना वाकई काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा पूरे गेम में कृतिका जो है केवल यहाँ पर अरमान की पूंछ बनकर घर के अंदर गेम खेल रही है, बिल्कुल सेफ गेम खेलती है और अरमान के पीछे पीछे चलते ही वो यहाँ तक पहुँची है। खुद के बलबूते पर अगर देखा जाए तो कृतिका का शो में कोई भी खास कंट्रीब्यूशन अभी तक रहा नहीं है, सिवाय कुछ छोटे मोटे झगड़ों के या फिर विशाल के साथ उसका थोड़ा बहुत विवाद हो जाता था। इसके अलावा कृतिका का कोई भी योगदान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कृतिका के लिए आगे का सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। फिलहाल दोस्तों आप क्या चाहते हैं, साई और अरमान में से कौन निकले, आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।